हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो अभी हो रहा है शाम के 4:30 बजे का टाइम। होप गाइस कि आप लोग ने उज्जैन के व्लॉग्स एंजॉय किए हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से, क्योंकि आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाली हूँ और वो भी फर्स्ट टाइम करने वाली। आपने नीचे वाला गेट देखा ही होगा, बट एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ कि नीचे का जो गेट है आज मैं उसको पेंट करने वाली हूँ, और कैसे करने वाली हूँ ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज ये है पेंट और ब्रश जिससे कि मैं पेंट करने वाली हूँ। इस डब्बे में निकालने वाली हूँ मैं पेंट, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा डब्बा नहीं है जिसमें मैं पेंट को मिक्स कर सकूँ। अभी 4:30 बजे का टाइम है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी धूप नहीं है और मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मौसम तो ठीक है बट इतना ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो चलते हैं अपना काम करते हैं। एंड गाइज आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं। हमारे छत का दरवाज़ा टूट गया था तो यहाँ पर हमने छत में भी दरवाज़ा लगा दिया है। तो गाइज पेंट लेके चलते हैं नीचे। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो शीट आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहले मिरर लगा हुआ था जिसको किसी ने तोड़ दिया था, तो हमने यहाँ पर सेफ्टी के लिए लगवा दिया है शीट, जो कि अब कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। एंड ये दरवाजा है जो हमें पेंट करना है, जिसमें कि लग चुका है जंग। मैं पेंट का डब्बा खोलने की कोशिश कर रही थी बट मुझसे नहीं खुल रहा था, तो उसी टाइम आ गए मेरे हस्बैंड जी, तो उन्होंने मुझे चाबी से खोल के दे दिया। तो गाइस आप स्वेटिंग तो देख ही सकते हो, और हमारे घर में नीचे वाले लोग अभी हैं नहीं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि गेट का काम मैं पहले ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि वो कल या परसों आ जाएंगे और वो बार बार गेट खोलते हैं क्योंकि उनके घर में बच्चे भी हैं, तो इसलिए जल्दी से गेट को पेंट कर देते हैं। गेट आधा ही पेंट हो पाया था, पूरा नहीं हो पाया था, और थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरने लग गया था, तो फिर मैं आधे में ही छोड़ के ऊपर आ गई। और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पर बनाया है चावल आटे का चीला और टमाटर मिर्ची की चटनी। चावल आटे का चीला और चटनी खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत इजी, सिर्फ 2 मिनट में ही बन जाता है। आपको सिर्फ चावल आटे का घोल बनाना होता है और आपको उसे तवे पे डाल देना होता है, जिससे कि बहुत ही पतला पतला सा चीला बन के रेडी हो जाता है। अगर आपको चीला मोटा खाना पसंद है तो फिर आप चावल आटे का जो बैटर है उसको थोड़ा मोटा रख सकते हैं और मोटा चीला बन जाएगा। तो गाइस कल का व्लॉग मैंने थोड़ा सा बना के एंड कर दिया था, क्योंकि रात में हमारे घर में आया था हमारे घर का न्यू मेंबर, तो आई है हमारी सोफी। चलो मैं आपको सोफी से मिलवाती हूँ। सोफी, तो गाइज हमारे घर में आया हुआ है एक न्यू मेंबर और ये है हमारी सोफी। सोफी हेलो कर दो छप को।